शुरुआत करते हैं टॉप 10 खबरों के साथ। बजट सत्र के अंतिम दिन संसद की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिनमें एक दूसरे के विरोधी एक साथ चाय पर चर्चा करते हुए नजर आए। यह बैठक लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कार्यालय में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओम बिरला के कार्यालय में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला के साथ मुलाकात की। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि अलग अलग राज्यों के लोगों को आपस में अंग्रेजी की जगह हिंदी में बात करनी चाहिए। उनका मानना है कि हिंदी को देश की राष्ट्रीय भाषा बनाने का समय आ गया है। गृह मंत्रालय ने बताया कि अमित शाह ने यह बात संसद की आधिकारिक भाषा समिति की एक बैठक में कही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में राष्ट्रीय जनता दल यानी RJD नेता शरद यादव से उनके आवास पर मुलाकात करने पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि शरद यादव बीमार पड़ गए थे, वह लंबे समय से ठीक नहीं चल रहे थे। जब शरद यादव से राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, क्यों नहीं, अगर कोई 24 घंटे कांग्रेस चलाता है तो वह राहुल गांधी है। शिवसेना नेता संजय राउत ने फोन टैपिंग मामले में अपना बयान दर्ज कराने से इनकार कर दिया। मुंबई पुलिस के कोलाबा पुलिस स्टेशन ने राउत को शुक्रवार को पेश होने के लिए तलब किया था। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से रूस को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसके लिए कल संयुक्त राष्ट्र में वोटिंग हुई, हालांकि भारत गैर हाजिर रहा। संयुक्त राष्ट्र के स्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति ने कहा कि हम दृढ़ता से मानते हैं कि सभी निर्णय पूरी तरह से उचित प्रक्रिया का सम्मान करते हुए लिए जाने चाहिए। हमारी सभी लोकतांत्रिक राजनीति और संरचनाएं हमें ऐसा करने का आदेश देती हैं। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने लाउडस्पीकर से अजान विवाद को बकवास बताया। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि यह बकवास है, क्या यह भी कोई मुद्दा है? राज्यपाल ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर हम इस बारे में बात करते हैं तो हम उनकी मदद करेंगे। तजिंदर पाल सिंह बग्गा के बाद पंजाब पुलिस द्वारा दिल्ली भाजपा के एक और नेता के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक कथित फर्जी वीडियो शेयर करने के लिए FIR दर्ज की गई है। पाकिस्तान में विपक्षी दलों ने नेशनल असेंबली बहाल करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना की। विपक्ष ने इसे लोकतंत्र और संविधान की जीत करार दिया और लोगों से शुक्रवार को धन्यवाद दिवस मनाने का आह्वान किया। रूस यूक्रेन युद्ध से तेजी बढ़ रही महंगाई के बीच भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की मौद्रिक समिति आज अपना फैसला सुना दिया है। RBI शुक्रवार को लगातार 11वीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करने का ऐलान किया। और वहीं आखिरी खबर है, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु और किदांबी श्रीकांत ने अपने अपने मुकाबले जीत कर कोरिया ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। धन्यवाद।